नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सूरज से निकलने वाली रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। आपको यह ज्ञात ही होगा कि सूरज से निकलने वाली रोशनी हमें विटामिन डी देती है और दिए पे जलने वाले रोशनी भी हमें प्रकाश देती है। वैसे ही हमें पता ही होगा थॉमस अल्वा एडिशन द्वारा बनाया गया बल्ब से जलने वाली रोशनी को भी हम प्रकाश ही कहते हैं। तो आइए आज हम प्रकाश के बारे में और विस्तार से जानेंगे। परिचय। आज मैं आपको किरण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम परिवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम परिवर्तन के प्रकार, मानव नेत्र से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हम नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलेडोस्कोप के बारे में आपको किरण के प्रकार। किरण दो प्रकार के होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। सबसे पहले आपतित किरण। आपतित किरण वह होता है जब किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परिवर्तित किरण यानी कि पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार आपतित किरण जाकर दर्पण से टकरा रही है और वह अविलंब से आपतन कोण का बना रही है, और वह टकरा के जब वापस आ रही है तो ये परावर्तन कोण बना रही है, और इस आने वाली रेखा को, आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना देना चाहूंगा कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I = R, यानी कि जिस कोण से वो गया है और जिस कोण से वो अविलंब से बनाने वाली कोण से दर्पण टकराया है और उसी कोण पर वो वापस हो जाता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींची गई अविलंब एक ही तल पर होती है। यानी कि ऐसे कि हमने पिछले पिक्चर में देखा किस तरह से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विसरित परावर्तन और दूसरा नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन, जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समानांतर नहीं रह जाती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। वहीं नियमित परावर्तन, जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ जैसे दर्पण से परावर्तित होने के बाद सभी समानांतर रहती हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब दर्पण पर टकराती है कुछ किरणें तो वो उसी कोण से वापस होते जाती हैं, तो ये नियमित परावर्तन के कुछ उदाहरण है। वहीं विसरित परावर्तन यानी कि पृष्ठ खुदरा हो तो ऐसे खुदरे पृष्ठ पर जब आपतित किरण टकराती है तो परावर्तित किरणें समानांतर नहीं रह जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। अब आता है पार्श्व परिवर्तन। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बाएं भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जब बाल कटवाने जाते हैं तो जब नाई आपका बाल काटा होता है तो जब आपको वो बाईं तरफ का बाल काटता होता है तो आपको लगता है कि वो दाईं ओर का काट रहा है, और जब दाईं ओर का काटा होता है तो आपको लगेगा कि बाईं ओर का काट रहा है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख भी रहे होंगे कि किस तरह ये मटके का बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे रहा है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ परावर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पर्वत का ये भाग ऊपर है और नीचे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जल है, जल बहुत स्थिर है और स्थिर जल दर्पण की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। और ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार परावर्तन हो रहा है, और ये एक दुर्लभ
खिड़की की तरह बनकर हमें दिख रहा है। अब आता है मानव नेत्र। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे आंख की आकृति लगभग गोलाकार है। आंखों में सबसे पहले होता है कार्निया, रेटिना, पारितंत्रिका, पक्षभाव पेशी, लेंस, पारप्रकाशिक तंत्रिका। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है और यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचा सके। हम इन नेत्रों के कुछ कुछ भागों के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेत्र से संबंधित कुछ शब्द। सबसे पहले सूक्ष्म मंडल, यानी कि इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या सूक्ष्म मंडल कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ये पुतली के जरिए पुतली ही हमारे आंखों के जो ऊपर पुतलियां होती है वो ही हमें हमारी आंखों को बचाने में सहायक होती है। उसके बाद पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें नीली भी होती हैं, तो ये परितारिका के कारण होता है। अब मैं आपको मानव नेत्र से संबंधित कुछ और शब्दों के बारे में बताना चाहूंगा। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है और लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत पर केंद्रित करता है। जैसे कि आपने उस पिछले तस्वीर में देखा होगा किस प्रकार प्रकाश आती है हमारे आंखों में पड़ती है और पीछे रेटिना होता है। उस परत को हम रेटिना कहते हैं, यानी कि इसको दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिक कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिक कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और मस्तिष्क हमें रेटिना और आंखों के जरिए हम बाहरी दुनिया को देख पाते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कभी कभी आपने देखा होगा आप अचानक सूर्य के सामने चले जाएं या फिर अचानक सूर्य से घर के अंदर आ जाएं तो आपको अजीब सा अंधेरा दिखाई देता है। वो प्रकाश की मात्रा के अंतर के कारण ऐसा होता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो तरह की होती है, सबसे पहला शंकु और दूसरा शलाकाएं। शंकु कोशिकाएं वह होती हैं जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी कि जो तेज रोशनी होती है उनके लिए सुग्राही होती है। और इसके अतिरिक्त शंकु कोशिकाएं रंगों और वर्णों की सूचनाएं भी भेजती हैं। शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, मंद यानी कि जो रोशनी कम होती है, उनके लिए शलाकाएं कोशिकाएं अच्छी होती है। अब मैं आपको नेत्रों की देखभाल कैसे करें इस बारे में बताऊंगा। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए और नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश होना भी हानिकारक है। यानी कि आप बहुत अधिक जैसे कि लेजर लाइट के सामने आ गए या फिर बहुत तेज रोशनी के सामने आ गए तो ये हमारे आंखों के लिए हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्रों में खिंचाव होता है तथा सर दर्द भी होता है। इसलिए मैं आपको यह कहूंगा कि आप अच्छी रोशनी में पढ़ाई करिए और ट्यूबलाइट जलाकर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप कम प्रकाश में पढ़ाई करेंगे तो आपको चश्मा लगने के बहुत अधिक आशंकाएं बढ़ जाएंगी। सूर्य किसी शक्तिशाली लैंप के तीव्र प्रकाश अथवा लेजर किरणों से रेटिना को क्षति पहुंच सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे सूर्य की किरणें और बहुत तेज रोशनी हमारी रेटिना को क्षति पहुंचाती है और हमें ये हमारे लिए हानिकारक भी है। हमें पाठ्यक्रम को हमेशा सामान्य दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको नेत्र से संबंधित कुछ मुख्य बातों के बारे में बताऊंगा। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत कहलाता है वह 7 रंगों से बना होता है। हमें सूर्य का प्रकाश यूं ही तो सफेद दिखाई देता है पर वो विभिन्न 7 रंगों से बना होता है, जिसे हम अंग्रेजी में विबग्योर भी कहते हैं। और प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विभक्षण कहते हैं।
मैंने आपको ये बताया ही है पहले कि हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, हमें आंखों को स्वच्छ जल से धोते रहना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार श्वेत रंग 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। इसे इस परिघटना को विपक्षण कहते हैं। अब आता है कैलिडोस्कोप यानी कि बहुमूर्ति दर्शी। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनाने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दर्शी में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार बहुमूर्ति दर्शी द्वारा अनेक अनेक पैटर्न बने हैं। ये पैटर्न हमेशा अलग ही होते हैं। बहुमूर्ति दर्शी की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे, ये हमेशा बदले होते हैं। ये एक तरह का परावर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये अनेक अनेक पैटर्न बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब आता है सारांश। हमने सबसे पहले पढ़ा कि किरण के प्रकार, किरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। आपतित किरण जो दर्पण से जाकर टकरा रही है वो आपतित किरण, और जो वापस हो रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। हमने परावर्तन के दो नियमों के बारे में पढ़ा कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, और दूसरा परावर्तित रेखा आपतित रेखा और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि परावर्तन के प्रकार पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विशिष्ट परावर्तन। दोनों में बस इतना अंतर होता है कि विशिष्ट परावर्तन समानांतर नहीं होती है और नियमित परावर्तन टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद समानांतर रहती है। उसके बाद हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा कि मानव नेत्र में किस तरह से क्या क्या अंग होते हैं, वो क्या क्या कार्य करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बहुमूर्ति दर्शी के बारे में बताया जो कि एक दर्पण, बहुत सारे दर्पणों के संयोग से बना हुआ एक वस्तु है जो अलग अलग आकृतियां अलग अलग पैटर्न बना के हमें देती है, और यह हमारे लिए मनोरंजन का एक साधन है। अंत में धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।